जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मनीष जी 17 महीने केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 तारीख से यानी कि आज से मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए 1-2 दिन तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है, तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन पुलिस से किया जाए। जब हमें लगा कि वो सलाह जेन्युइन है तो हमने उनकी सलाह मानी। ये आप लोगों को सूचना देनी थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मनीष जी 17 महीने केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 तारीख से यानी कि आज से मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए 1-2 दिन तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है, तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन पुलिस से किया जाए। जब हमें लगा कि वो सलाह जेन्युइन है तो हमने उनकी सलाह मानी। ये आप लोगों को सूचना देनी थी।